पंजाब सरकार मुर्दाबाद, पंजाब सरकार मुर्दाबाद, एक्साइज पॉलिसी रद्द करो, रद्द करो, एक्साइज पॉलिसी रद्द करो, रद्द करो, एक्साइज पॉलिसी रद्द करो, रद्द करो, ए धक्काशाही बंद करो, बंद करो, धक्काशाही बंद करो, बंद करो, ठेकेदार यूनियन जिंदाबाद, ठेकेदार यूनियन जिंदाबाद, पंजाब सरकार मुर्दाबाद, पंजाब सरकार मुर्दाबाद, पंजाब सरकार मुर्दाबाद, एक्साइज पॉलिसी रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, एक्साइज पॉलिसी रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। कोई गल इस तरह पहला था दिल्ली पॉलिसी इन्होंने जबरदस्ती दे के उत्थे बैकआउट हो गए, पंजाब की तो हाले पॉलिसी आई नहीं। मेरा तो सरकार वालों एक्साइज डिपार्टमेंट वालों एक क्वेश्चन है कि पंजाब के टोटल 177 ग्रुप है, जे 177 ग्रुपां दे विचों 177 चो इन्हां दे 40 चढ़ते हैं तो पॉलिसी क्वैश हुंदी है, तो जिन्होंने 40 ने 8-9 करोड़ रुपया 9% जमा कराया वो रिफंड का की है, की प्रोसैस है? कभी सरकार तो पैसा लेना सौखा है जी, साढ़े पहला भी इस तरह कई बार हो चुके, कई जगह से साढ़े पैसे फंसे हुए हैं, अज तक नहीं आए, 5-5 साल हो गए, 4-4 साल हो गए, यदि कोई सिक्योरिटी कोई छोटी तो है नहीं। 9% के हिसाब से 4-5 करोड़ रुपया पर ग्रुप लग जाए, जेड़ा बंदा एक ग्रुप भी पाके बैठ गया तो उस तो बाद पॉलिसी क्वैश करके पॉलिसी नवी बनाती तो वो कौन जिम्मेवारी देगा? कोई नोटिफिकेशन नहीं सानू हुई कि भी नाल दी नाल ही तुहानू वापस कर देंगे, ईवन कि हले तो ये नोटिफिकेशन नहीं हुई भी 31 मार्च तक की जी सिक्योरिटी है 31 मार्च तो पहले एडजस्ट होगी या वो की बनूगा, वह हले तक कोई नोटिफिकेशन। सर इधर रिगार्डिंग अपने किसी अधिकारी ने गल हुई है जी? देखो जी अधिकारियों ने तो सू तो जी लोकल एक्साइज डिपार्टमेंट बुलाया अभी उन्होंने अपनी रिक्वेस्ट जाके कहने वो कहने हाँ करता वर्बली करी है कोई नोटिफिकेशन नहीं किसी एंगल तो जेकर अपनी मंगा नहीं मनी अगला स्टेप अपना की है जी? देखो जी जे साड़ियां मंगा नहीं मंगिया जांदियां असीं तां इहदे च टोटली बायकट करते हैं कि मोहाली जिले मोहाली डिवीजन तो असीं तां ठेके पावांगे जिहड़े बाहरों बंदे आणगे बाहरों बंदे आके पाके देख लैण स्वाद किन्ना है। अज की डेट के पर ग्रुप 10 करोड़ रुपए का घाटा रिजर्व प्राइज के ही है, कोई 23 करोड़ आई तो इन्होंने रिजर्व प्राइज रखी है 37 करोड़। सर बीजेपी के लीडर मनजिंदर सिंह सिरसा वालों प्रेस कॉन्फ्रेंस वास्ते ये इल्जाम लाए गए थे कि जिम्मे एक्साइज पॉलिसी लागू की गई जे हिसाब से दिल्ली वाले का कब्जा पंजाब से करवाना चाहते हैं। बिल्कुल लगता है कि दिल्ली वाले तो बाहरों आने बंदे लोकल तो असं सारे ठेकेदार सारे भरा ठेकेदार जिम्मे अपने लोकल ठेकेदार तो बायकाट कर देंगे दिल्ली वाले अपने टेक ओवर कर लेंगे अगे अपना फिर की होगा जी? स्टेप अगे सर जी टेक ओवर करके चलान तो सही ना पता तो लगे ना ये तो बड़े मगरमच्छा वाला काम कर रहे हैं ना कहते ठेकेदार माफिया है माफिया माफिया तो बना लगे हुए हैं तुम मैंने माफिया का वर्ड दसो माफिया का वर्ड की है मनोपली उन्होंने देने बाहरों ग्रुप है वो छोटे करी जा छोटे करके उसकी सिक्योरिटी है वो खत्म करी जाए अज तक नहीं होंगी सिक्योरिटी लॉटरी सिस्टम कराया जाए दारू अज तो ही सस्ती करनी पैगी क्यों करनी पैगी इन्हें 3 महीने सू रिन्यू करता रिन्यू करके सू स्टॉक चाते अज इन्होंने ठेकेदार की सारी पूंजी स्टॉक च लगी हुई है वो सारी पूंजी खत्म हो जानी है घाटे च मर गई तुम यह दसो साढ़े बराबर मोहाई के बराबर चंडीगढ़ पैदा है हम 350 रुपए कहते रॉयल स्टैक कर दो 350 पहले ही चंडीगढ़ करने को तैयार बैठा तू 300 करूंगा वो 300 कर दूंगा चंडीगढ़ चंडीगढ़ के हमने सानू तो दोनों पासों मारे गए पंजाब चो भी मारे गए चंडीगढ़ चो भी मारे गए ये कोई नहीं है कि पॉलिसी अच्छा तुम एक गल कहने हो कि भी लागे डबल हो जू की गल एक बंदे नूं बुलाव ला के दो बोतल बुलावे किवें करांगे सरकार एक बार मैं कहना भी जे सरकार साढ़े ठेकेदार की गल सुनती है साढ़े ठेकेदार कहे थे छोटे ग्रुप नहीं कर सकते 9 महीने की सरकार खुद चला के देख दे उन्हों सारा डाटा क्लीयर हो जूगा सारी उन्होंने को फिगर आ जाएगियां 9 महीने बाद फिर असं खड़े हैं सानू ना ना मारो सानू डबल मार मार रहे हो एक तो ऑलरेडी स्टॉक की मार मार रहे हो ऑलरेडी तुम चंडीगढ़ की मार मार रहे हो सानू डबल मारना। हाँ जी मैं पिंदर बराड फ्रॉम श्री मुक्तसर साहब असी सारे छोटे कारोबारी आल पंजाब तो मेरे नाल आए मेरे भरा दोस्त साढ़े साढ़े छोटे ठेकेदार वीर अज इतने धरना देन पहुंचे है जिहड़ा असी और अमन नाल इतने धरना देना 2 दिन की असी धरने की कॉल दी है सरकार की जिहड़ी पॉलिसी उहदा असी मुकम्मल बाइकाट कर पॉलिसी की है जो तुम्हें पॉलिसी 17% जी सू इनक्रीज पाती अज तक किसी सरकार ने सू पाई नहीं हैगी इन इनक्रीज जिनी इन्होंने पाई तो वो आम 10% होंगी सी अल कही सू 17 तो घटा के 10 किया जाए
और जिहड़ी ये साडी सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी साडी एडजस्टेबल होनी चाहिए है। वो कहिंदे सी भी सिक्योरिटी जिहड़ी हैगी तुहानूं लास्ट ते 31 मार्च तो बाद दित्ती जाऊगी। बाद सानूं किने पैसे मोड़ने हैं? 5 करोड़ 10 लाख रुपया सिक्योरिटी का, बाद च कौन वाली वारस है जी? वो साढ़े लास्ट जिहड़ा क्वार्टर रह जूगा वो असं चाहते भी साड़ी एडजस्टमेंट कर दें। वो सिक्योरिटी एक वो है जी, सिक्योरिटी जी है लाइसेंस फीस का पार्ट होना चाहिए, वो शामिल होनी चाहिए है। लाइसेंस फीस जी है वो हर महीने की 30 तरीक तक सू टाइम दिता जाए। ये कहते महीने की सू जी फीस एडवांस दी जाए, एडवांस फीस 1 करोड़ रुपया अभी किमें दे सकते हैं, वो सू 30 तरीक तक का टाइम दिता जाए। उस तो अलावा भी जे अगे भी पहला सरकार कोई बंदा लेट ठेकेदार हो जाता है तो उन्होंने 10 दिन अगे दिते जाते 15 दिन, वो एक नॉर्मल ब्याज बैंक ब्याज लै लेंगे 15 दिन सू दिते जाते, एक वो सू दिते जा। ही साढ़े को जी देसी शराब का जो कोटा है वो तरज से इंग्लिश का बीयर का जो कोटा वो सा फिक्स किया जाए, ओपन कोटे तो अभी सर्वाइव ही नहीं कर पावे, असं कितों बेचेंगे इन्नी शराब ना, इन्नी शराब सब तो विकनी है, कॉम्पीटिशन हो जाना है, सारे ठेकेदार घाटा पैना। उस तो अलावा जोड़े साढ़े L1 है वो कह रही है सरकार भी सुपर L1 बना देना, थोड़ा तुम एक थान पर मान लो पहला L1 हर डिस्ट्रिक्ट लैवल से L1 होंगे जिंकी फीस 20 लाख रुपया नॉर्मल फीस होंगी सी, वो कोई भी ठेकेदार भरा 20 लाख रुपया फीस भर के आपका L1 लै लेता है, तो अगर ठेकेदार भरावान लोड़ मुताबक उधार भी दिता से और उन्होंने काम भी चला अगर माल दे दिता से। हूँ जे L1 इतने बनाता चंडीगढ़ या कि भी बनाता तो असं उत्तर बिलोंग करते फिरोजपुर तो बॉडर तो सन तो कैरेज भी पेगी बहुत ज़्यादा, वो भी फालतू का साढ़े तो नजायज खर्चा पैना। वो जो है L1 सुपर L1 ना बनाया जाए, वो पहला की तरह जो L1 चलते थे वो L1 हर डिस्ट्रिक्ट जो भी चाहता सी अगे आपकी इच्छा मुताबिक लै लेंदा सी। एक जिहड़ा ग्रुप का साडा साइज है इन्ना नहीं होना, खेत्रफल बहुत वड्डा वधा दा, बहुत वड्डे करते 35 तो 40 करोड़ उन्होंने कीमत रखती, पहला जी उन्होंने कीमत होंगी सी वो मोस्टली 8 करोड़ रुपया वो तो वह 10 करोड़ होंगी, इस तो उपर कोई सर्कल नहीं होंगे सगो थले नीवे होंगे से 5-7 करोड़ का भी सर्कल होंगे सी, इन्होंने 35-40 करोड़ जो रखिया सर्कल वो आम बंदा कितों लैके चलाएगा, इन्नी अमाउंट कितों अरेज करेगा। फिर साढ़े को जी पूंजी है साड़ी अमाउंट है वो तो इन्होंने ठेकों के रखा ली, साढ़े को एक घर एक सर्कल के इस टाइम तकरीबन 1.5 करोड़ का माल ठेकों के अंदर स्टॉक पिया, पैसे होर कितों लियावांगे? ये कहते जी आके टेंडर पाओ, सरकार टेंडर अभी पा ही नहीं सकते, नजायज शराब जी रोक लगी लगता कि रोक है वो रोक तो लग जूगी ला लेन, बहुत चंगी गल रोक ला दूजिया स्टेटा तो शराब ना आए जिमें चंडीगढ़ तो जाती है हरियाणा तो जाती है, पर असं कहने सस्ती उदों करो जिहड़ा तुसी सानू स्टॉक पहला महंगे भा दा दिता वह पहला हल करो, साढ़े को स्टॉक जब वापस लाओ जानू कंपनसेशन दो सू टाइम दो वेचन वास्ते, वो ना तो टाइम दे रहे हैं ना कि एडजस्ट कर रहे हैं, असं लैके कितने जाइए इन्ने ट्रकों के ट्रक दारू के, असी कह घर क्ड के बनाई शराब सरकार की दिती हुई शराब आ, ड्यूटी पेड सरकार की शराब आ, एडजस्ट करे। किन्ने बंदे खड़े हो किसी बहुत घट नॉलेज है बारे और पारदर्शिता भी नहीं है, एक बार बंदा बस फूक जाके टेंडर वध पा दिंदा मुड़ के भरिया नहीं जाता, साडे ठेकेदार कई भरा फस जाते बेचारे उसके जाल च वहम च फस जाते हैं जेडे निकलते नहीं, अगे परची होंगी सी हर गरीब अमीर बंदा एक आपका 30,000 की लॉटरी लैंदा सी पाँदा सी सर्कल निकल आता बेचारा नाल होर आम बंदे जनरल शहर के सेठ सूठ नार ला ले जां कोई होर पैसे वाला बंदा नार ला लिया वह तो बहुत वधिया बिजनेस कर जाता सीगा 4 पैसे कमा जाता सी, इन्हां ने वह भी गला घुटता आम बंदे का, वो लॉटरी सिस्टम भी खत्म करता जिहड़ा इहनूं लॉटरी सिस्टम करना चाहिए। एक जी पॉलिसी के लिखती रूल दिता जाए भी यदा मैक्सीमम रेट है कोई ऑबजैक्शन नहीं होगी, मिनीमम रेट सू जिमें अगर सरकार दिनिया से दिनिया मिनीमम रेट दिता जाए, मैक्सीमम जो रेट है ना दिता जाए, एक साड़ी ये भी प्रॉब्लम। नवी पॉलिसी जी है इनक्रीज घटा के सिर्फ 10% की जाए, एक टैक्नीकल पॉइंट है जदों की दुनिया बनी और जदों की शराब बनी सरकार एक फंडा बनाती है भी हर साल शराब पीने वाले 10% लोग आ जोड़े उन्होंने इजाफा हो जाए, हाँ ये किताबों के लिखा हुआ लिखती तौर पर प्रूफ 10% जो लोग वध दिया तो सरकार की करती है 10-12% ही सानू इनक्रीज़ पा दें हर साल,
ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਤੋਂ 12% ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕਿਆਂ 'ਚ ਵਧਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੀ ਜੀ 40%। ਕਿਵੇਂ ਹੋਊ ਜੀ, ਵਾਜਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇਣੇ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਸ ਟੈਗ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀ ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਹੋਰ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਐਨੀ ਹਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰੇਟ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬੋਟਲ ਐਸ ਰੇਟ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪੀ ਐਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸ ਰੇਟ ਪੈਣਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਕੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਗਣਿਤ ਲਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਪੈਸੇ ਬਚਣਗੇ। ਠੀਕ, ਈ ਡੀ ਪੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦੇ ਮਾਰਕੀਟ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆ, ਆਹ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਹਨੇਰਾ ਟੋਟਲ। ਸਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤੇ ਇਸੇ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣਾ ਜੀ? ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਨਾ ਕਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਕਹਿਣਗੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਮਰਨ ਵਰਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਜੀ, ਬਾਹਰਲੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਸਤੀ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸ਼ੁਕਰ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਰੱਦ ਕਰੋ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਰੱਦ ਕਰੋ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਰੱਦ ਕਰੋ, ਇਹ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬੰਦ ਕਰੋ, ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬੰਦ ਕਰੋ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਰੱਦ ਕਰੋ, ਰੱਦ ਕਰੋ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਰੱਦ ਕਰੋ।